नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। आज इंस्पायरिंग ब्रांड की तरफ से मैं आपके पास ऑफिस ब्रांड 316 के अंदर तीसरा वीडियो लाया हूँ। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिबन्स के बारे में, कुछ ऑप्शंस के बारे में और कुछ टैब्स के बारे में जो कॉमन देखे जाते हैं पूरे ऑफिस के अंदर। तो हम शुरू करते हैं वर्ड के साथ में। मैं खोलूंगा वर्ड वापस, जैसे पहले पिछले वीडियो में दिखाएंगे। मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला, देखेंगे ये जो पार्ट है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिस पार्ट इज नोन एज रिबन। जी हाँ, रिबन असल में पहले आपने अगर पुराना ऑफिस यूज किया होगा, जैसे 3 वर्जन के अंदर आपने देखा होगा कि पहले जो ऑप्शंस थे वो सबके सब फुल डाउन मेन्यूज के अंदर थे। तो उसके अंदर मतलब कि ऊपर आप क्लिक करेंगे और नीचे में मेन्यू खुलेगा, उसके अंदर हम ऑप्शन देंगे। तो उसके अंदर में एक दिक्कत होती थी कि ऑप्शन बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता था, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो दिक्कत करता था। इसलिए अब जो ये नया रिबन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या है, सब आपके बाइक क्लिक पे जो आपके सामने है, जैसे आपने फॉर्मेट करना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मेटिंग में जाइए, डिजाइन पे करना है डिजाइन पे जाएँ, डिजाइन चेंज हो जाएगा, इंसर्ट करना है कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा। अब देखें तीन टैब हमारे जो है रिबन के अंदर वो सेम होते हैं, पहला है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा इंसर्ट। फाइल टैब के बारे में बात करते हैं। फाइल टैब के अंदर पहले आता है इन्फो। इन्फो के अंदर आपके फुल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसके अंदर आपका साइज, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप अपना ऑफिस चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंफेक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यू कैन जाएंगे नया डॉक्यूमेंट और नई टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। ओपन पे जाएंगे तो आप कोई रीसेंट एरिया से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आप वन ड्राइव के थ्रू डाउनलोड डॉक्यूमेंट, आपका पीसी से कोई फाइल से पर्टिकुलर फाइल से डॉक्यूमेंट ब्राउज में, तो ब्राउज से क्लिक कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट। और सेव में जाएंगे तो सेव में आपको वन ड्राइव सेव कर सकते हैं पीसी पे या किसी और पे। प्रिंट जाएंगे तो ये प्रिंटिंग कमांड के लिए हाउ मेनी पेपर्स कितना आप कॉपी चाहते हैं, फ्रंट साइडेड है टू साइडेड है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। चेयर पे आप ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को शेयर करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, ब्लॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट में क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट डायरेक्टली पीडीएफ भेजना चाहिए। टाइप में जाएंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कई सारे फाइल टाइप आते हैं, डॉक्स जो बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट यूज है, डॉक्स एक्सटेंशन है और DOC 297.3 के वर्जन का है। तो अगर आप किसी पुराने ऑफिस प्रोडक्ट में चलाना चाहते हैं अपना आपका डॉक्यूमेंट, तो आपको इस फॉर्मेट में बनाना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए आप कई सारे इमेजेस और कई सारे फॉर्मेट में डिफरेंसेस आते हैं, और कई जगह पर पुराने डॉक्यूमेंट से नए डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट एडिशन में चेंजेस करने बहुत मुश्किल है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है, वेब के लिए HTML पेज है। आप क्लोज करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज जाएगा, लेकिन आपका वर्ड क्लोज नहीं होता। अकाउंट पे जाएंगे तो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको पूरा कस्टमाइजेशन टूल खुल जाएगा। होम टैब जो है वो आपका बेसिक टैब है, इधर आपको मिलता है क्लिक को फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल एंड एडिटिंग ऑप्शंस। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फॉन्ट से देखिएगा फॉन्ट का स्टाइल, साइज, कलर्स एंड ऑल। और ये कॉमन रहेगा नो इन द चार्ज से भी आपके प्रोग्राम में जो डिपेंडिंग अपॉन द एडिशन। इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट के अंदर कवर पेज, बैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल्स, इलस्ट्रेशन वगैरह हो गई, एड-ऑन्स, एडिशन आप अच्छे विकिपीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन वीडियो के थ्रू मीडिया, हाइपरलिंक करना, लिंक्स, कमेंट, पेज फुटर हेडर, ये सब आप दिखाते हैं। और कुछ और भी टैब्स हैं, जैसे डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। जी ये टैब्स हैं डिज़ाइन, लेआउट, ये आपके प्रोग्राम प्रोग्राम चेंज होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए ये वर्ड मैं आपके स्क्रोल के दिखाऊंगा पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट के अंदर देखिएगा क्या होता है, पावर पॉइंट देख रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, सेम क्या ट्रांजिशन आ गया, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, जैसे ही आपका एक्सेल का भी होता है, जब एक्सेल खोल के देखते हैं तो एक्सेल में जो है यहाँ से एक्सेल खोला हमने, एक स्प्रेडशीट खोला, अब देख सकते हैं इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा एंड ऑल। आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं डायरेक्टली आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस मार के सेव कर सकते हैं। साथ में कुछ शॉर्टकट बताना चाहूँगा, इसे कंट्रोल एन एंड न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल ओ है, तो पुराना डॉक्यूमेंट छोड़ने के लिए देखिए जरा कंट्रोल एन किया, न्यू डॉक्यूमेंट बन गया, कंट्रोल ओ किया, ओपन डॉक्यूमेंट वाली साइड पर आ गया, आप कंट्रोल एस करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। देखिए तो क्या सेव मैंने शुक्रिया दोस्तों आज की वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए आगे आगे ट्यूटोरियल्स के लिए। शुक्रिया, मैं हूँ अक्षय, इंस्पायरिंग की तरफ से आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।